मंदिर का गर्भगृह है, यहाँ भी देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिख रही है, जबकि यहाँ इतनी धक्का मुक्की रहती थी। जबकि आज शनिवार भी है, शनिवार के और रविवार के दिन तो हमारे श्री राम वृंदावन में और मेरे बांके बिहारी जी के मंदिर में इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती थी कि दर्शन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। और ये देखो यहाँ पर आंगन के अंदर में, मंदिर का ये आंगन है, यहाँ भी देखिए आप, कुछ भी आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिख रही है। मुश्किल से 50-40 लोग ही इस मंदिर के अंदर में होंगे, जबकि इतनी ज़बरदस्त भीड़ रहती थी कि यहाँ दर्शन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। ये यहाँ के व्यवस्थापक भी हैं, यहाँ जो मंदिर के इन्होंने एक रूमाल भी लगा रखा है, उधर में भी एक व्यक्ति ने रूमाल लगा रखा है, ये अपनी सुरक्षा को नहीं देख रहे हैं। हमारे मंदिर के गोस्वामी जी हैं, ये अनंत गोस्वामी जी, और ये एक सन्यासी रूप में मैं इनको काफ़ी समय से देखता आ रहा हूँ। ये इसी वेशभूषा में रहते हैं और यहाँ मंदिर की सेवायत भी हैं। मैं आपसे इस समय में जो भारतवर्ष की क्या पूरे विश्व की जो परिस्थिति बनी हुई है, ये क्या होने जा रहा है? ऐसा है, कोरोना वायरस से हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व ही इस समय त्राही त्राही कर रहा है। हमारा सबसे यही अनुरोध है कि कम से कम घर से बाहर निकलें। हमारे मोदी जी ने सबको आग्रह किया है कि देश के हित के लिए, विश्व के हित के लिए घर से कम बाहर निकलें। और मेरी अपील है MLA, MP, पार्षदों से कि जब वो चुनाव के समय में दारू और रुपया बांट सकते हैं फ्री में, तो इस समय क्यों ना देश हित में लोगों की रक्षा करने के लिए वो इस समय सैनिटाइज़र और मास्क और ग्लव्स क्यों ना पब्लिक में फ्री बांटें। जो बांटेंगे तो हमारे देश का वो होगा। कृपया करके यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बांटें। और वो देखो ठाकुर जी महाराज इस आपदा से हम सबको दूर करेंगे, यही हमारी हम सबकी मंगल कामना और शुभकामना यही है कि सब लोग इस परेशानी से दूर हों। जैसा कि हमारे गोस्वामी जी ने कहा कि जब चुनावों का समय आता है तो करोड़ों रुपया उसमें खर्च कर देते हैं सांसद, विधायक, पार्षद, MP, MLA जितने भी हैं, प्रधान है, परंतु इस समय हमारे जो देश की स्थिति है उनको भी जो आपदा जो इस समय ज़बरदस्त विश्व में फैली हुई है, तो इनका ये आग्रह है उन जो विधायक MP वगैरह जो भी हैं हमारे जो प्रतिनिधि हैं कि वो इस परिस्थिति के समय में भी जनता के साथ में और ये इस तरीके की जो सुरक्षा के जो उपाय हैं वो उन पब्लिक के अंदर में बांटे जाए। मंदिर के प्रबंधक महोदय हैं, क्या शुभ नाम क्या पड़ेगा? उमेश सारस्वत जी, ये यहाँ के बारे में आपसे कुछ यहाँ के मंदिर के बारे में जो अभी वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, सभी जगह में छिड़काव वगैरह किया जा रहा है, आपके द्वारा इस मंदिर में क्या व्यवस्था देखी जा रही है? मंदिर में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, सभी गेटों पे सैनिटाइजर लेके सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं और सभी को हाथ साफ करके जब भी मंदिर में अंदर आने दे रहे हैं। और ये जो स्पेशल धूना है जो बहुत ही आयुर्वेदिक तत्वों से मिलकर बनाया है, उसका पूरे में मंदिर में किया जा रहा है और कई प्रकार का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे एंटीवायरस दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है मंदिर में। आप यहाँ मंदिर के प्रबंधक हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ गोस्वामी वर्ग भी काफ़ी मंदिर के अंदर में बैठा हुआ है, किसी ने भी मास्क वगैरह कोई नहीं, आपके यहाँ जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने बड़े मास्क वगैरह लगा रखा है, परंतु गोस्वामी वर्ग किसी ने भी किसी के चेहरे पर मैं मास्क नहीं देख रहा हूँ, आप इसके विषय में क्या अपनी व्यवस्था दे रहे हैं? गोस्वामी वर्ग केवल 2-4 लोग ही बैठे हुए हैं, बाद आगे सब सिक्योरिटी गार्ड और कर्मचारी हैं, जिनके बाद सबके पास मास्क लगे हुए हैं। 2-4 ही हैं, जैसे मैं यहीं का हूँ, वृंदावन से ही हूँ, मैं ज़्यादा दूर का नहीं है, गौतम पाड़े से ही हूँ, सभी को मैं चेहरे तक देखा हुआ है मेरा। अब मैं आपसे यही एक आग्रह करूँगा कि आप थोड़ा सा इनसे भी ये रिक्वेस्ट करें कि ये भी अपनी सुरक्षा को थोड़ा बना करके रखें। सभी से निवेदन किया गया है, बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए मंदिर पर सुरक्षा के लिए, जिसे आराम से दर्शनार्थी पढ़ सकें। मंदिर के अंदर भी बैनर लगे हुए हैं, बाहर भी, इससे इस तरह के वायरस वगैरह से बचा जा सके। भीड़ का दबाव तो बिल्कुल खत्म हो चुका है मंदिर के अंदर से? हाँ, भीड़ नहीं है, वो 10-20 लोग ही दर्शन करने आ रहे हैं बस। वैसे इस्कॉन मंदिर और वैष्णो माता मंदिर, ये दो मंदिर अभी वर्तमान में वृंदावन के बंद कर दिए हैं, आप अपने मंदिर बांके बिहारी जी के ये व्यवस्था भी करेंगे कि आगे भविष्य में? तो मंदिर की व्यवस्था का संचालन वर्तमान में न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है, अभी वहाँ से कोई आदेश मिलते ही इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। यानी आपका कहना है कि हम अपनी तरफ से इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यायालय के द्वारा ही मंदिर की देखरेख होती है और यहाँ की सारी व्यवस्था दी की जाती है। अब ये न्यायालय से प्रार्थना करेंगे
तभी ये न्यायालय इनको कोर्ट आज्ञा देगा कि आप मंदिर को बंद कर सकते हैं।